क्या हुआ? फेल हो गए? टूट गए पढ़ाई में टॉप करने के सपने? अरे बहुत मोहब्बत थी तुम्हें किताबों से कल तक, आज क्या हो गया? क्या किताबों से ब्रेकअप हो गई या तू खुद किसी और से मोहब्बत कर बैठा? अरे क्या हुआ, बड़ी हिम्मत थी जब दुनिया को बोलते थे कि पढ़ाई में टॉप करके दिखाऊंगा, बस हो गई? बस बोलने की हिम्मत थी, आज जब करने की बारी आई तो हार मान गए? कहां गया वो जोश, कहां गई वो हिम्मत, कहां गया वो जुनून, कहां गया वो वादे जो पढ़ाई को लेकर तुम अपने माता पिता से किया करते थे? अरे ये झूठे दिलासे, झूठे वादे तो सभी करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो बहुत से लोगों की फट जाती है, क्योंकि करने के लिए दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। अरे टॉप करना पढ़ाई में इतना ही आसान होता तो स्कूल जाने वाला हर स्टूडेंट टॉपर ही होता। अगर पढ़ाई में टॉप करना है तो कर लो किताबों से मोहब्बत और सुबह पढ़ो या रात को, लेकिन दिल में रखो इस बात को कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो इस सोच के साथ बैठिए कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मुझे एग्जाम में बैठना है। यकीन मानिए, इस सोच के साथ की गई तैयारी आपको सबसे अलग बनाएगी। इस सोच के साथ की गई तैयारी आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाएगी और आप बड़ी से बड़ी एग्जाम आसानी से पास कर पाएंगे। दोस्तों, एक फेल पूरी जिंदगी का फेलियर नहीं होता। अपनी पढ़ाई के लेकर जिद्दी बनो, यह सोच के पढ़ो कि जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं करूंगा, ना मोबाइल यूज करूंगा, ना घर से बाहर जाऊंगा, ना किसी से बात करूंगा, ना सोऊंगा, ना खाना खाऊंगा और ना ही अन्य कोई भी काम करूंगा। दोस्तों, जब तक अपनी पढ़ाई को लेकर आप इतना जिद्दी नहीं बनोगे ना, तब तक यकीन मानिए आप पढ़ाई में कुछ बेहतर अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सुबह लगता है शाम को पढ़ूंगा, शाम को लगता है रात में पढ़ूंगा, थोड़ी देर पढ़ने के बाद रात में नींद आने लगती है और इसी तरह ज्यादातर स्टूडेंट का सारा दिन खराब हो जाता है। दोस्तों, अभी तो केवल दिन बर्बाद हो रहा है, लेकिन कुछ साल बाद इसी आदत की वजह से पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, समय रहते अपनी आदत सुधार लीजिए, वरना अंत में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। हर दिन एक टारगेट सेट कीजिए और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। यकीन मानिए, एक दिन आपके जीवन में वो सारी चीजें हासिल हो जाएगी जिसके आज आप सपने देखते हो। एक टॉपर से पूछा गया कि तुम कितनी देर पढ़ाई करते हो, पता है उसने क्या बताया? उसने जवाब दिया कि जब तक मेरे हर दिन का बनाया हुआ गोल पूरा न हो तब तक पढ़ता रहता हूँ, और फिर चाहे उस गोल को पूरा करने के लिए अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी जिंदगी काफी उलझी हुई है तो सिर्फ एक महीने, सिर्फ 30 दिन नियम के साथ पढ़ाई करके देखिए। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन एक महीने बाद अपनी जिंदगी में आप बहुत बड़ा बदलाव पाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत आज, अभी और इसी वक्त कीजिए। यह मत सोचिए कि एग्जाम में आपको लाखों लोगों के साथ कंपटीशन करना है, बल्कि खुद से एक ही लाइन कहिए, सिर्फ एक ही लाइन कहिए कि भाड़ में जाए ये लाखों लोग, भाड़ में जाए ये दुनिया, बस मुझे तो इस एग्जाम में टॉप करना है। और आपको यकीन मानिए, टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब सारे लोग सो रहे हो तब भी तुझे जग कर पढ़ना होगा, क्योंकि बड़ा सपना तो तूने देखा है ना, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना होगा।